के बारे में, मतलब कौन कौन से बैकलॉग स्टूडेंट के रह जाते हैं। दूसरा मैं आपको बताऊंगा स्टेप्स टू अवॉइड बैकलॉग, मतलब कैसे बैकलॉग्स को अवॉइड करें, कैसे उसको ओवरकम करें, कैसे उसको अवॉइड करें। और थर्ड मैं आपको बताऊंगा कि कंप्लीट कैसे करें उन बैकलॉग्स को। हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसएस केमिस्ट्री यूनिवर्स। मैं सौरभ शर्मा आपका एसएस सर आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल में, मतलब आपके यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एसएस केमिस्ट्री यूनिवर्स। माय डियर स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक वो है जो मोस्टली स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम होती है, आपने थंबनेल में देख लिया होगा, हाउ टू कवर द फियर ऑफ बैकलॉग्स। बहुत सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में ये आता है कि सर बैकलॉग रह गया, क्लासेस छूट गई, घर में कुछ काम आ गया, प्रॉब्लम हो गई, बैकलॉग रह गया, कैसे कंप्लीट करें। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं जो आपके दिमाग में डर रहता है एक बैकलॉग का, उसको कैसे ओवरकम किया जाए, कैसे मैनिपुलेट किया जाए अपने सक्सेस के लिए। सो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पे नए-नए वीडियोस आते रहते हैं। और आपको अगर वीडियो पसंद आए तो जरूर इस वीडियो को लाइक जरूर करना, आपके कमेंट्स का मुझे बेसब्री से इंतजार रहता है, वो मेरे लिए एक बूस्टिंग फैक्टर बनता है, वो मेरे लिए एक मोटिवेटिंग फैक्टर बनता है आपके पॉजिटिव कमेंट्स। चलिए स्टार्ट करते हैं YouTube वीडियो को विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम। How to overcome the fear of backlogs, ठीक है? Backlogs का fear, backlog का डर कैसे overcome करें, ये मैं आज आपको आज की क्लास में बताने वाला हूँ, आज के सेशन में बताने वाला हूँ, संडे सरप्राइज में बताने वाला हूँ, ठीक है? चलिए, तो अब अपन स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले ये थंबनेल आपने देख ही ली होगी, हाउ टू ओवरकम द फियर ऑफ बैकलॉग। बहुत सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में ये डाउट आता है कि सर हमारा बैकलॉग रह गया किसी भी कारण से, उसे कैसे ओवरकम करें। तो जल्दी से अपन इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं मेरे बारे में बता के। मैं कौन हूं? मैं सौरभ शर्मा हूं, मैं एसएस सर नाम से फेमस हूं स्टूडेंट्स कम्युनिटी में। मैं एलन कैरियर इंस्टीट्यूट कोटा में पढ़ाया करता था, लगभग 8-9 साल मैंने वहां पढ़ाया। उससे पहले मैंने डीडी टारगेट पीएमटी दिल्ली में पढ़ाया, और आजकल मैं अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर पढ़ा रहा हूं, और फेवरेट एजुकेटर हूं मैं मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का, ऐसा मुझे लगता है, ठीक है? ये मेरी टॉप की रैंक्स है जो मैंने प्रोड्यूस किया अपने टीचिंग करियर में। और मुझे पता है 2022 और 2023 के रिजल्ट अभी वैकेंट है, और मुझे पता है कि यहां जो अभी लाइव मुझे देख रहे हैं वो 2022 और 2023 की रैंक जरूर बनेंगे। अगर आप रैंक बनना चाहते हैं, अगर आप अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब रखिए, इस पे बहुत सारे एजुकेशनल कंटेंट्स आने वाले हैं। चलिए, तो अब अपन स्टार्ट करते हैं। बेसिकली इस वीडियो में है क्या? इस वीडियो में सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा टाइप्स ऑफ बैकलॉग्स के बारे में, मतलब कौन कौन से बैकलॉग स्टूडेंट के रह जाते हैं। दूसरा मैं आपको बताऊंगा स्टेप्स टू अवॉइड बैकलॉग, मतलब कैसे बैकलॉग्स को अवॉइड करें, कैसे उसको ओवरकम करें, कैसे उसको अवॉइड करें। और थर्ड मैं आपको बताऊंगा कि कंप्लीट कैसे करें उन बैकलॉग्स को। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, इसको आप ज्वाइन करके रखिए, इसमें बहुत सारे फ्री कंटेंट्स पर डालता रहता हूँ, मेरी फ्री क्लासेस की लिंक्स एक्सेट्रा इस टेलीग्राम चैनल में आती रहती है, तो जल्दी से इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। चलिए सबसे पहले अपन डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ बैकलॉग के बारे में। देखो बेसिकली बैकलॉग होता है तीन टाइप का, मैंने 14 साल तक लगभग पढ़ाया है, आज तक बोल रहा हूँ, ठीक है? तो उसमें मेरे अपने व्यू है ये कि कितने टाइप के बैकलॉग स्टूडेंट के आ जाते हैं। तीन टाइप के बैकलॉग आ जाते हैं, बताता हूँ कौन सा। एक तो वो बैकलॉग होता है जो थ्योरिटिकल बैकलॉग होता है, ठीक है? मोस्टली ये जो बैकलॉग होता है थ्योरी वाला बैकलॉग, ये स्टूडेंट्स को कई बार पता भी नहीं होता कि उनका ये बैकलॉग है। उनको कब पता लगता है कि उनका थ्योरिटिकल बैकलॉग है? उनको पता लगता है जब वो टेस्ट सीरीज के पेपर लगाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं कि कोई ड्रॉपर स्टूडेंट है, ठीक है? उस ड्रॉपर स्टूडेंट ने केमिकल बॉन्डिंग पूरी कर ली, कभी ना कभी केमिकल बॉन्डिंग उसने पूरी कर ली, ड्रॉपर स्टूडेंट है तो ऑब्वियसली उसने केमिकल बॉन्डिंग कई बार पढ़ा होगा, इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो उसने क्या किया कि टेस्ट सीरीज के पेपर लगाने स्टार्ट किए, ठीक है? उसने डिटेल में थ्योरी नहीं पढ़ी और उसको लगा कि मुझे आता है, मैंने ड्रॉप किया, मुझे आता है केमिकल बॉन्डिंग, मैं डायरेक्ट टेस्ट सीरीज के पेपर लगाता हूं। और जैसे ही उसने टेस्ट सीरीज का पेपर लगाया तो एक क्वेश्चन आ गया सॉल्युबिलिटी का, और सॉल्युबिलिटी के क्वेश्चन में वो कंफ्यूज हो गया। उसके दिमाग में आया यार सोडियम के हैलाइड है, क्या लगाऊं, हाइड्रेशन एनर्जी लगाऊं, लैटिस एनर्जी लगाऊं, पोलराइजेशन लगाऊं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग लगाऊं, क्या लगाऊं, उसके दिमाग में कंफ्यूजन आ गया। तो कहने का मतलब क्या है, ये बात उसको कब पता लगी, जब उसने टेस्ट सीरीज के पेपर किए। माय डियर स्टूडेंट, सबसे पहले पेपर लगाने से पहले अपनी थ्योरी पार्ट स्ट्रांग कर लो, थ्योरिटिकल बैकलॉग अपना नहीं रहना चाहिए। किसी भी टॉपिक को परफेक्ट कर लो, उसके बाद आप पेपर लगाओ। तो कहने का मतलब क्या है, मोस्टली ड्रॉपर स्टूडेंट्स का ये बैकलॉग होता है जो उनको पता भी नहीं चलता कि उनका ये बैकलॉग है, थ्योरिटिकल पार्ट का बैकलॉग कहीं ना कहीं उनका रह जाता है। अब बात करता हूं एक और बैकलॉग की,
जो है क्वेश्चंस पार्ट का बैकलॉग, ठीक है। मोस्टली स्टूडेंट्स जो 11th 12th के होते हैं, ठीक है, वो थ्योरी अपने स्ट्रांग रखते हैं, स्पेशली 11th और 12th वालों की बात कर रहा हूं, कि वो अपनी थ्योरी बहुत स्ट्रांग रखते हैं। उनको एक मोटिवेटिंग फैक्टर होता है कि यार बोर्ड एग्जाम है या स्कूल के एग्जाम है तो हमें थ्योरी बहुत स्ट्रांग करनी है, क्योंकि हमारे बोर्ड के एग्जाम है, हमारे स्कूल के एग्जाम है। पर कहीं ना कहीं वो क्वेश्चन प्रैक्टिस करने में बैकलॉग अपना छोड़ देते हैं। आई एम वेरी श्योर कि इस समय जो 11th और 12th क्लास के स्टूडेंट्स मुझे सुन रहे हैं वो अपने आप को इससे कंपेयर कर पा रहे होंगे कि उनका थ्योरेटिकल पार्ट तो स्ट्रॉन्ग है पर कहीं ना कहीं उनके क्वेश्चन में लगेंगे, वो किसी भी चैप्टर में लगिंग हो सकती है। सपोज आपने पी ब्लॉक चैप्टर कर लिया थ्योरी से पर पी ब्लॉक के अपना मॉड्यूल नहीं किया, मेरे को पता आप इस समय मुस्कुरा रहे हैं क्योंकि आपको पता है कि ये बैकलॉग आपका है इस समय। मतलब मोस्टली स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूं, सबकी बात नहीं कर रहा, मोस्टली स्टूडेंट्स के ऐसे ब्लॉक वाले चैप्टर बैकलॉग रहते हैं केमिस्ट्री में, ठीक है। या फिजिकल केमिस्ट्री की बात करूं तो बड़े बड़े चैप्टर जो डिफिकल्ट माने जाते हैं, इक्विलिब्रियम, थर्मोडायनेमिक्स, ये वाले चैप्टर, उनका क्वेश्चन वाला पार्ट बैकलॉग रहता है। उनकी थ्योरी तो कंफर्म होती है पर क्वेश्चन वाला पार्ट बैकलॉग रहता है, तो ये क्वेश्चन वाला पार्ट नंबर टू टाइप ऑफ बैकलॉग है, ठीक है। और थर्ड जो बैकलॉग है वो मिक्स्ड बैकलॉग है। अब देखो मिक्स्ड बैकलॉग का मतलब क्या होता है, मिक्स्ड बैकलॉग का मतलब ये होता है कि अपन ने किसी भी कारण से अपने टाइम टेबल को फॉलो नहीं किया। सपोज अपना टाइम टेबल है या आपका टाइम टेबल है सुबह जल्दी उठ के पढ़ने का, सुबह 9 से 11 आपने सोचा है कि हम बायो पढ़ेंगे या हम मैथ्स पढ़ेंगे, हम केमिस्ट्री पढ़ेंगे, हम फिजिक्स पढ़ेंगे, व्हाटएवर मे बी द सब्जेक्ट, बट आप लेट उठे किसी कारण से, या फिर आप आउट ऑफ द स्टेशन चले गए, या फिर आपके घर में रिलेटिव्स आ गए। आई एम वेरी श्योर आप मुझे मुझसे इस बात पर अग्री करते हैं कि इन तीन कारणों से हमेशा कोई ना कोई बैकलॉग रह जाता है। आप लेट उठे और आपका वो बैकलॉग रह गया, या फिर उस 9 से 11 बजे के टाइम में आप घर पे अवेलेबल ही नहीं थे, आप कहीं और गए हुए थे, सपोज कोई शादी का या कोई कोई भी एक्स वाई ज़ेड फंक्शन आ गया, आप वहां थे, मतलब आप उसमें अवेलेबल नहीं थे तो आप पढ़ाई कर नहीं पाए, तो वो आपका बैकलॉग रह गया। ये मिक्स्ड बैकलॉग के अंतर्गत आता है, समझ गए मैं क्या बोल रहा हूँ, दैट इज कॉल्ड मिक्स्ड बैकलॉग, जिसमें आपका आइदर ऑफ द क्वेश्चंस, आइदर ऑफ द थ्योरी और आइदर ऑफ द स्टडी रूटीन is affected. I am very sure आप इस पे agree कर रहे हैं मैं जो बोल रहा हूँ, ठीक है, कि either of these are affected, either you are be affected with question practice, either you are affected with the theoretical portion, or either your schedule is disturbed by any means whatsoever. मतलब आपके किसी भी means से आपका schedule disturb हो गया तो आपका mixed backlog रह गया, है ना। अब मैं आपको बताता हूं टाइप्स ऑफ बैकलॉग तो ये हो गए, अब इसको ओवरकम कैसे करना है। ये सारे मेरे अपने व्यूज हैं और ये सारे सारे वो व्यूज हैं जो हजारों बच्चों ने मुझसे डिस्कस किया और मैंने उनको इसका सॉल्यूशन दिया कि कैसे ओवरकम करना है इन बैकलॉग्स को, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं कैसे ओवरकम करना है इन बैकलॉग्स को, जल्दी से वीडियो को एंड तक जरूर देखना, बहुत 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 इंपॉर्टेंट वीडियो है ये आपके लिए, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं स्टेप्स टू अवॉइड बैकलॉग, मतलब कैसे स्टेप्स, कौन कौन से ऐसे स्टेप्स हैं जिससे अपन बैकलॉग को अवॉइड कर सकते हैं। एक सिंपल सा वर्ड है मेरे पास, जो आप फॉलो करेंगे तो कभी आपका बैकलॉग आएगा ही नहीं। एक वर्ड है जो आप हमेशा फॉलो करेंगे, दैट इज रेगुलरिटी। बड़े बड़े अक्षरों में मैंने यहां पे लिखा है रेगुलरिटी। अगर आप रेगुलर हैं, अगर आप पंचुअल हैं, अगर आप डिसिप्लिन्ड हैं, तो आपका बैकलॉग हो ही नहीं सकता। यह बात सही है कि कोई भी परफेक्ट नहीं होता, किसी ना किसी का शेड्यूल कुछ ना कुछ इरेक्टिक हो ही जाता है किसी भी कारण से, बट कोशिश करें रेगुलर रहें अपनी स्टडीज में, पंचुअल रहें। एक बहुत फेमस लाइन है, रक्षा और शिक्षा, आपको पता है रक्षा का मतलब डिफेंस पर्सनल, ठीक है, और शिक्षा का मतलब आप लोग, हम लोग जैसे एजुकेटर्स, ठीक है। तो रक्षा और शिक्षा में डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। आपने अगर डिफेंस पर्सनल्स को देखा हो, अगर आपने डिफेंस वाले ग्रेट लोगों को देखा हो, तो वो कितने डिसिप्लिन रहते हैं, कितने पंचुअल रहते हैं, कितने अपने देश के लिए मर पिटने का जज्बा रखते हैं। मुझे पता है ये जज्बा आपके अंदर भी है कि आप डॉक्टर बने, आप इंजीनियर बने, आप अपने लाइफ में सक्सेसफुल हो, बट कहीं ना कहीं लेथार्जिक फीलिंग आई जाती है, कहीं ना कहीं इजी गोइंग वाला नेचर हो ही जाता है। तो उस इजी गोइंग वाले नेचर को अवॉइड करना है रेगुलरली। मैं कुछ पता है आपको मोटिवेशनल सेशंस भी इस YouTube वीडियो पे डालता हूं, तो मोटिवेशनल सेशंस में एक लाइन थी, अगर आपको पता हो तो, पिछले हफ्ते मैंने डाली थी कि एक दो तरीके हैं अपने पास सुबह जब हम उठते हैं, तो दो तरीके हैं, या तो सोते रहें अपने सपनों के साथ, यू विल स्लीप विद योर ड्रीम्स, और यू वेक अप एंड चेज योर ड्रीम्स। मतलब अगर आप सुबह उठें तो हर सुबह इस बात से उठें कि आज मैं अपने लक्ष्य के कितना नजदीक पहुंचा, आज मैं अपने टारगेट के कितना करीब पहुंची। ये बात अगर आपके दिमाग में आएगी तो कभी आपका बैकलॉग रहेगा ही नहीं। और अगर बैकलॉग रह जाए तो उसको ओवरकम कैसे करना है, मैं आपको बताता हूं। अगर बैकलॉग रह जाए तो उसको ओवरकम कैसे करना है, मेथड्स टू कंप्लीट बैकलॉग्स, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको कुछ बातें बताता हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो बैकलॉग कंप्लीट करने का सबसे पहला तरीका यह है, बिल्कुल ध्यान से सुनना, मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें बोलने वाला हूं मैं इस समय, ठीक है। बैकलॉग करने का सबसे
इंपॉर्टेंट तरीका यह है कि हम लोग कुछ आइडेंटिफाई करें टॉपिक्स को। कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जैसे कि मैं लिखता हूं आइडेंटिफिकेशन ऑफ टॉपिक्स, ठीक है। मतलब सपोज आपका कोई बैकलॉग रह गया, ठीक है। सपोज मैं एग्जांपल लेता हूं, आपका बैकलॉग रह गया फिजिकल केमिस्ट्री का। सुन रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? आपका बैकलॉग रह गया फिजिकल केमिस्ट्री का, आपने लेट ज्वाइन किया या फिर घर में कोई आ गया, आपकी पढ़ाई नहीं हो पाई, एक्सेट्रा, बहुत सारे कारण हो सकते हैं, ठीक है। सपोज आपका फिजिकल केमिस्ट्री का बैकलॉग रह गया 3-4 चैप्टर्स का और आपके टीचर स्टार्ट कर रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सो डोंट पैनिक, दिस इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, दैट वॉज फिजिकल केमिस्ट्री। आपको पता है कि दोनों पूरी तरह से इंटरलिंक्ड नहीं है, इंटरलिंक्ड है बट अपने आप में इंडिपेंडेंट टॉपिक्स भी कहा जा सकता है उनको, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, आपको ऐसे टॉपिक आइडेंटिफाई करना है। अब जैसे फिजिक्स की बात करता हूं, ठीक है। सपोज आपका 11th क्लास में एक टॉपिक वीक रह गया जिसको बोला हीट, है ना, हीट का टॉपिक आपका वीक रह गया और आपको 12th क्लास में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ाई जा रही है, तो आई एम वेरी श्योर आपको पता लग गया होगा हीट के टॉपिक का और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के टॉपिक का एज सच कोई ज्यादा रिलेशन नहीं है। इसका मतलब वो इंडिपेंडेंट टॉपिक है। जैसे बात करूं मॉडर्न फिजिक्स पूरी तरह से इंडिपेंडेंट टॉपिक है, इलेक्ट्रॉनिक्स वाला पोर्शन जिसमें कि आपको मालूम है सेमीकंडक्टर और वाला टॉपिक आता है, वो पूरी तरह से इंडिपेंडेंट टॉपिक है। ये सारी बातें मुझे नहीं आती, ये सारी बातें मेरे कुछ अच्छे-अच्छे दोस्तों ने मुझे बताई है जिनका नाम चलता है इस समय पूरे इंडिया में, फिजिक्स के ग्रेट एजुकेटर्स ने मुझे ये लाइन बताई है, ठीक है, कि ये इंडिपेंडेंट टॉपिक्स है। ये अगर बैकलॉग रह भी जाए तो टेंशन की बात नहीं है। सिमिलरली केमिस्ट्री में तीनों सब्जेक्ट आपस में ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंट है, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल केमिस्ट्री रिलेटेड तो है पर इतना रिलेटेड नहीं है कि उसके लिए अपन दिन भर बैठ के बैकलॉग कवर करें। तो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा टॉपिक को फर्स्ट ऑफ ऑल कि कौन से टॉपिक आपका बैकलॉग है। दूसरी बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात बोलने वाला हूं, डोंट पैनिक। अगर आपकी पैनिक सिचुएशन आ गई तो प्रॉब्लम हो जाएगी। कैसे? अगर सपोज आपने ये सोचा, आप टेस्ट देने बैठे और आपके दिमाग में आया यार ये टॉपिक तो मेरा हुआ ही नहीं, ये टॉपिक ना मेरा बैकलॉग रह गया। एग्जामिनेशन हॉल में पैनिक सिचुएशन बहुत नेगेटिविटी क्रिएट कर देती है, पेपर खराब हो जाता है, साल खराब हो जाता है और कई बार तो बहुत ज्यादा क्रिटिकल सिचुएशन आ जाती है स्टूडेंट्स के लाइफ में। आप समझ गए मैं क्या बोलने वाला हूं, ठीक है। इसीलिए पैनिक सिचुएशन अपनी लाइफ में नहीं होनी चाहिए। डोंट पैनिक, डोंट पैनिक, डोंट पैनिक। आपके दिमाग में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि क्या हुआ, बैकलॉग ही तो है, मैं कवर कर लूंगा। अगर 100% सिलेबस का सपोज एग्जाम देने आप बैठे हो, 100% सिलेबस का 30% सिलेबस मेरा बैकलॉग है तो उसको मैं लीव कर दूंगा, उसको मैं लीव कर दूंगी और बाकी का सब्जेक्ट मैं तैयार करके टेस्ट में अच्छे मार्क्स ले आऊंगी या टेस्ट में अच्छे मार्क्स ले आऊंगा। तो डोंट पैनिक, फर्स्ट ऑफ ऑल डोंट पैनिक, एंड सेकेंडली यू मस्ट आइडेंटिफाई द टॉपिक्स इन विच यू आर वीक एट, इन विच द बैकलॉग इज क्रिएटेड, है ना। अब थर्ड बात मैं आपको बोल रहा हूं जो बहुत 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 इंपॉर्टेंट बात है, क्या, कि अपने को रूटीन कैसा बनाना है बैकलॉग कवर करने का, बैकलॉग कंप्लीट करने का। आप इसको 80:20 के रेशियो में बांटेंगे, यानी कि 4:1 के रेशियो में बांटेंगे। सपोज आप दिन भर में 6 घंटे पढ़ाई कर रहे हो तो 6 घंटे में से 20% टाइम आप बैकलॉग को दे दो और बाकी का जो टोटल टाइम है 80% का टाइम है वो आप करंट टॉपिक को दो। अगर आप करंट टॉपिक को स्टेक पे रख के बैकलॉग को कवर करने लग जाएंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। करंट टॉपिक भी आपका बैकलॉग बनता रहेगा और एक दिन ऐसा आएगा जब इतना सारा बैकलॉग होगा कि पैनिक सिचुएशन कवर हो, पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी। मैं नहीं चाहता कि आपकी लाइफ में ऐसा इंस्टेंस आए और नहीं आएगा बेटा। आप यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइबर हो मेरे, मेरा ये ड्यूटी बनती है, मेरी ये मॉरल ड्यूटी बनती है कि आपको मैं मोटिवेटेड रखूं और इसलिए मैं ये यूट्यूब की वीडियोस ला रहा हूं। तो आपको 80:20 का रेशियो करना है, 20% आपको बैकलॉग के लिए टाइम देना है और बाकी 80% आपको करंट टॉपिक के लिए टाइम देना है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात एक बोलने वाला हूं, क्या, आप जिस भी कोचिंग में पढ़ते हैं वो कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले आपको रिकॉर्डिंग प्रोवाइड करते होंगे, ठीक है। जैसे ऑनलाइन एजुकेशन, ऑफलाइन एजुकेशन, जहां भी आप पढ़ रहे हैं आजकल मोस्टली सारे कोचिंग्स के पास ये रिकॉर्डिंग फैसिलिटी अवेलेबल है, तो रिकॉर्ड्स आपको मिल जाएंगे कोचिंग से, उन रिकॉर्डिंग्स को बार बार देखते रहो, ऑटोमेटिकली आपका बैकलॉग कवर हो जाएगा, ठीक है। फीलिंग मोटिवेटेड, इफ यू आर फीलिंग मोटिवेटेड देन गिव मी अ थम्स अप, मींस लाइक दिस वीडियो, इस वीडियो को लाइक जरूर करें। किस्मत के भरोसे मत बैठो, मैं बार बार कह रहा हूं किस्मत के भरोसे मत बैठो, क्योंकि अगर अपन किस्मत के भरोसे बैठ गए, अपने दिमाग में यह आ गया कि यार बैकलॉग था, किस्मत में लिखा हुआ था, यह तो होगा ही यार, सिलेक्शन नहीं होगा, छोड़ो यार कुछ और कर लेते हैं, नहीं, है ना। अपने को उस मोमेंट का वेट नहीं करना कि वो दरवाजा खुलेगा किस्मत से, नहीं, अपने को अपने मेहनत के तूफान से वो जो भी दरवाजा अपना बंद है, अपनी जो फॉर्च्यून का दरवाजा बंद है, अपनी जो किस्मत का दरवाजा बंद है, उसको मेहनत के तूफान से
तोड़ देना है और इस तरह से इतनी मेहनत करनी है, बैकलॉग हो चाहे कुछ भी हो, वो 100% कवर हो जाएगा। अरे एक पत्थर तो तबीयत से उछाल के देखो, आसमान में भी छेद होता है, ऐसा बोला जाता है। सुन रहे हो ना, ये सारे कोट्स मैं इसलिए बोल रहा हूँ जिससे आपको मोटिवेटेड फील हो और आपका बैकलॉग का फियर दूर हो जाए। चलिए और भी कुछ बातें हैं मेरे पास करने के लिए, सिंपल सी बातें एक जो आप जानते हैं पहले से। ये मेरा मेल आईडी है sschemistryuniverse@gmail.com, इस पे आप मेल कर सकते हैं। मैं बिजी बहुत रहता हूँ, मेरी अनअकैडमी की क्लासेस भी होती है, मेरे यूट्यूब सेशंस भी होते हैं, बिजी बहुत रहता हूँ, तो आपको टाइम लग जाएगा रिप्लाई मिलने में, पर रिप्लाई आपको जरूर मिलेगा, ठीक है, इस मेल आईडी पे। अब मैं अनअकैडमी एजुकेटर हूँ, आपको पता होगा मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को, sschem मेरा अनअकैडमी कोड है। इफ यू वांट टू टेक द सब्सक्रिप्शन आल्सो देन यू कैन यूज दिस कोड sschem, दैट इज sschem। विश यू ऑल द बेस्ट, आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा हो। सेशन अच्छा लगा तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आपको सेशन कैसा लगा, जिससे मैं आपको और भी वीडियोस लाने में मोटिवेटेड फील करूं। और लास्ट में यही बोलूंगा, मेहनत इतनी खामोशी से करो कि आपकी सक्सेस, आपकी सफलता शोर मचा दे। शांति से मेहनत करते रहो, खामोशी से मेहनत करते रहो, एक दिन ऐसा आएगा जब पूरा इंडिया आपको जानेगा, जब आप टॉप के डॉक्टर, टॉप के इंजीनियर बन जाओगे या सक्सेसफुल इंसान बन जाएंगे। विश यू ऑल द बेस्ट, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।